लोग ऐसे मैसेज आ रहे, तो पहले ना अपने घर में झांक के देख इस बार की पैकिंग, इस गरीब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान। पजामा तो मुझे आएगा ही, कबूतरी छोटी सी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, दीदी भी आई है दम मालूम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्यों मैं बताऊंगी बाद में। सबसे पहले बता देती हूँ, दोपहर के बज चुके हैं 2 और चीकू भी स्कूल से आ चुका है। सुबह चीकू को स्कूल भेज दिया था मैंने। हाँ जी बोलो। नीचे खेलने जाना है? हाँ। पहले पूरे कपड़े और एप्पल और वो खत्म करके जाना, ठीक है। और चीकू गया था स्कूल, वो आ चुका है। चीकू सुबह 8:30 बजे गया था, तो मैं 8:30 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं फिर से सो गई और आज उठने में बहुत ज्यादा लेट हो गया, 12:30-1 बज गया, तो अभी टाइम हो गया ज्यादा और जाना है जिम। मिलती हूँ बाद में। सुबह 10:30 बजे के करीब दीदी का पार्सल जो मंगाया था वो आ गया है, मसाले के डब्बे, मसाला दानी, ये सब कुछ आ चुका है। और साथ ही साथ अभी मैं नीचे जा रही हूँ दीदी के घर पे, उनको दे देती हूँ, अपना जो भी सामान है उसमें डाल लेंगी और पैक कर देंगी बॉक्स। और एक और पार्सल जो आया था वो आया था गमीज, हमारी पावर गमीज जो है वो खत्म हो गई थी, तो वो हमने मंगा लिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, तो ये आ चुकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे दीदी को सामान देने, ताकि उनका जो काम है वो इजी हो जाए, उनको बनाना पड़े, तो मैं उनको देने जा रही हूँ नीचे। तो मैं आ चुकी हूँ दीदी के घर में, यहाँ पे एक वीडियो शूट हो रही है और बहुत ज्यादा नॉइस है बाहर, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ और आपको दिखाती हूँ एक चीज जो कल दीदी ने प्रवेश किया घर में। दीदी ने जो है गणपति जी का प्रवेश करवाया घर में। ऐसा होता ना कि आप अच्छा करो तब भी आपको बुराई मिलती है, बुरा करो तब भी आपको बुराई मिलती है। तो कुछ लोग ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सपना दीदी इतने दिन से बोल रही है पार्लर क्यों नहीं लेके जाते उनको, मतलब अपनी बीवियों को तुम हर जगह घुमाते हो, उसको नहीं घुमाते। तो पहले ना अपने घर में झांक के दे, ठीक है, यही बोलना चाहूंगा सबको। पहले अपना देखो और ध्यान मत दो, बात रही मेरी, मैं अपनी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ी है और मेरी फैमिली से, मेरी माँ ने पैदा किया, तो उसकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और उसको अच्छी जिंदगी दूंगा, उसकी बेटी को भी। तो जितने भी लोग हैं उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, पहले अपने अंदर में झांक के देखो कि तुम अपनी बहनों को कितना ध्यान रखते हो। तो हमारी पावर गमीज आ चुकी है जिसका हम बहुत वेट कर रहे थे, 3-4 दिन से खा नहीं पा रहे थे, खत्म हो गई थी। और इस बार की पैकिंग बहुत ही प्यारी आई है अटैची वाली, इसमें हम बाद में कुछ रख भी सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ ये पावर गमीज क्या है, हेयर के लिए, और बहुत ही टाइम से खा रहे हैं, जैसे हेयर फॉल हो जाता है किसी को उसके लिए भी अच्छी है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो पायल और गोलो में काफी टाइम से यही खा रहे हैं। इससे नेल्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, मतलब मेरे को पहले नेल एक्सटेंशन कराने की बहुत जरूरत पड़ती थी, पर अब जब से मैंने ये खा रही हूँ मेरे नेल्स ऑटोमेटिक अच्छे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। पायल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैंने भी पहना है। हाँ मतलब कंफर्टेबल है ना पूरा, बहुत कंफर्टेबल, सॉफ्ट बहुत है ना, अच्छे से नया नाइट तो वैसे अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अपने अपने लिए कपड़े लाती रहती है, इस गरीब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती ये औरतें दोनों। आपकी जो चॉइस है ना वो हमसे बहुत डिफरेंट है, ठीक है, जो हम लेके आएंगे पसंद नहीं आएंगे आपको। तो मेरी चॉइस तो तुम भी हो। कपड़ों में बोल रहे हैं? कपड़ों में, इंसान में तो अच्छी चॉइस आती है। अच्छा, कपड़ों में भी अच्छी है, बट हमारी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी है। तो तुम्हें, तुमने मुझे भी तो चुना है, तुम्हारी भी अच्छी है, कोई बड़ी बात नहीं है। गोलू ने चीकू के लिए फिर से कुछ मंगाया, बताते क्या मंगाया। पायल को भी नहीं पता क्या मंगवाया है। मैं चीकू की टेंशन ले रही हूँ, गोलू सारे खुद ही कर लेती है इसकी। वॉर्म, हमारे जैसे वॉर्म वाले नाइट सूट आए हैं। मुझे बोल रहा था ना चीकू कि मम्मा नाइट सूट चाहिए, ठीक है साइज नहीं, ये तो पजामा तो मुझे आएगा, पजामा तो मुझे आएगा ही, ऊपर का बना दूंगी, लेकिन गर्म है उसको अच्छा रहेगा रात को ना, रात को ज्यादा कपड़े पहनता नहीं है। तो अभी बजी है शाम के 6, मैं और पायल जिम से आके सो गए थे क्योंकि आज मैंने और पायल ने किया था साइड्स और एब्स और काफी थक गए थे जिम में वर्कआउट करके, तो थोड़ी देर के लिए सो गए थे, जस्ट अभी उठे। पायल भी आ गई है। मैं भी उठी हूँ, आज तो इतनी अच्छी नींद आई है, सच में इतनी अच्छी नींद आई है, बता नहीं सकती आपको कितनी अच्छी नींद आई है। 2 घंटे नींद ली और ऐसा लग रहा है रिलैक्स। सेम मेरे साथ भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अभी पीते चाय वाय। तो अभी अभी एक और पार्सल आया है, मेरी फ्रेंड जिया ने जो की बहुत प्रिटी है, बहुत मजेदार है। ये वही जैकेट है जो कुछ टाइम पहले उन्होंने ना डेनिम जैकेट भी दी थी। अच्छी है ना गुरु? बहुत अच्छी थी। मेरी तेरी भी है, दोनों की है। अच्छा सेम है ये? हाँ दोनों की है। तो मुनिया का जो फेवरेट खाना है वो की धनिया, वो धनिया देख कर ना पूरे घर में सूंघती सूंघती आती, धनिया कहाँ पर है, मतलब किसी कोने पे धनिया रख दो और मुनिया भाग कर आ जाती है। कैसे खा रही है? कबूतरी छोटी सी। तो इधर रख दी है मैंने चाय शाम की मेरी और पायल की। पायल, आंटी मुझसे पूछ रही थी खाने में क्या बनाना है, तो मैंने बोला कि पायल उठेगी तो बताएगी शायद से, वो आज एक रेसिपी दी। हाँ मैं दम आलू सूजी बनाने के लिए। क्या दम आलू? वाह वाह, मेरा फेवरेट है। तो क्योंकि आज मैं दम आलू की रेसिपी देती हूँ, गोलू के लिए बना रही हूँ, आप सभी को भी देती हूँ, तो बना के ट्राई करके घर पे जरूर बताना कैसे बनी है। और ये रेसिपी मैंने एक बार हैदराबाद में बनाई थी,
कर मैंने वो ड्राई बनाए थे, आज मैं थोड़ा ग्रेवी वाला बनाने वाली हूँ। एप्पल पड़े देख कर आती हूँ, देख ले क्योंकि मुझे बता दे। एप्पल बता दे, शक्करकंदी मंगवा ले, शक्करकंदी बता दे और स्ट्रॉबेरी बता दे। स्ट्रॉबेरी तो नहीं है, शक्करकंदी भी नहीं है, एप्पल देख लेती हूँ, केले रखे, कीवी भी देख ले। तो इनके लिए मैंने छील दिया अनार। आपके लिए सबके लिए बनी तो 3 कप थी। नहीं मैंने ज्यादा दूध डाल दी ना इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छी तो बनी है ना। हाँ अच्छी बनी है। चाय में चीनी कम थी तो मैं चीनी डाल के लाई। मैंने तो चीनी डाली नहीं। डाली। मामू जी कैसा लग रहा है टॉप? हाँ बेटा अच्छा लग रहा है, नया वाला टॉप है ना। हाँ जी हाँ अच्छा लग रहा है। विंटर्स के थे वहाँ पे, समर्स दोनों सिर्फ सितारे वाले लेना, वो ऐसे थे नहीं। अभी हमने ढूंढने तो थे सीक्वेंस वाले, बट सीक्वेंस वाले नहीं थे। दिखा ही दे दो। क्या कर रहे हो बेटे? कब आओगे घर? कब आओगे घर? दिखाओ। ओ वाओ वेरी एक्सीलेंट मिला इसे। वाओ मेरा बेटा तो पढ़ने में अच्छा हो गया मेरा बेटा तो। तो गोलू हमारे घर की बहुत बड़ी टैलेंटेड लड़की है जिसको सब कुछ आता है। तो इसे लैपटॉप भी चलाना आता है। जो कि किसे सिखाया गोलू? इन्होंने। पहले नहीं आता था ना? नहीं पहले मेरे को सिर्फ पता था इसको रिफ्रेश करते हैं। अब तो पूरा देख लेती है ना लैपटॉप का काम। हाँ। क्या कर रही हो गोलू? 20 रुपए का नोट छुपा के रख रही हूँ। ये 20 रुपए का नोट यहाँ पे कब से पड़ा? कोई नहीं उठाता, क्या छुपा रही है इसको? ये फटा हुआ, बट यार फेंकू कैसे पैसे ना? फटे हुए नहीं है वो, ठीक है, पर कोई उठाता नहीं है घर में ना। हाँ। चोरी नहीं करता कोई। कपड़े लगा रही है? हाँ कपड़े लगा रही हूँ। और सुन मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अभी तो हमारे पास इतने सारे नाइट सूट है, तो एक काम करती हूँ ये वाले जो नाइट सूट है वापस रख दे बैंक में। बैंक में? बैंक बोला मैंने, बेड में। बेड में देख, ये जो अलमारी है ना ये ऊपर ऊपर से खराब हुई है, यहाँ से तो ठीक है ना। ये पता क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे गोलू जो मैं कपड़े नहीं पहनता ना तो रख दे। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या रखूं यार। मुझे लगा गुड्डू, मुझे लगा कि नेट नहीं चल रहा, वो नेट से कुछ अपलोड कर रहे होंगे। मुझे क्या पता एयर ड्रॉप की बात कर रहे हो? क्या एयर ड्रॉप? एयर ड्रॉप बोला था। ज्यादा मेरी बेइज्जती करने लगी है आजकल। तो मैंने बाहर से कपड़े निकाल लिए, अब मैं कपड़ों को लगाने जा रही हूँ। कपड़े लगा के फिर मैं बनाने जाऊंगी दम आलू, जिसकी रेसिपी मैं दूंगी अभी आपको। ये सारे शॉर्ट्स अंदर रख रही है? शॉर्ट्स अंदर नहीं रख रही, ये जो ये जीन्स पहन रही ना, क्योंकि कल अलमारी की भरी भरी लग रही, ये बाहर निकाले कपड़े। तेरे को मेरी बीमारी लग गई है। सुन पाई, मैं सोच रही हूँ ये तो ड्राई क्लीन के कपड़े हैं, यहाँ ही रह देती हूँ, ये निकाल दो कुर्ते पजामे। अब पता नहीं ये पहनेंगे नहीं पहनेंगे, कल चाहिए होना चाहिए। अब तो स्पेशियस लग रही है ना अलमारी। अब ठीक लग रही है पहले से। तो चीकू नहा धोके सुंदरी मुंदरी पुंदरी सब मैं उसे प्यार से बोलती हूँ, तो वाला बेबी बन गया है। उसे सुबह स्कूल जाना है, उसका मॉर्निंग में टेस्ट है। और अभी चीकू एक प्यारी सी इमोशनल मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है अपने पापा के साथ, तो मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाती हूँ क्या बना रहे वो लोग। तो मेरी सुंदरी मुंदरी पुंदरी बेबी ने नया नाइट सूट पहन लिया। ये जो पजामा है चीकू को थोड़ा सा लंबा है, मतलब कि ये जो नाइट सूट है चीकू को अगले साल भी आ जाएगा ना चीकू। तो मैंने स्टार्ट कर दिया रेसिपी बनाना। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या यूज होना है इसमें। बॉइल्ड आलू है जो मैंने पहले बॉइल करके छील के रख लिए हैं। ये है 2 टमाटर, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको खाना वो डाल सकते हैं। और प्याज मैंने एक ही रखा है, क्योंकि प्याज आलू के साथ अगर ज्यादा होगा तो आलू जो है वो मीठा बनेगा। और इसके साथ थोड़े से मैंने काजू रखे हैं। ये मसाले हैं स्वाद अनुसार, जिसमें है गरम मसाला, हरा धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची, और कोई मसाला ऐड नहीं होगा इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लाइटर नहीं है तो मैच बॉक्स से जला रहे हैं। तो पहले हमें कढ़ाई गरम करनी है। तो कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब इसमें मैंने ऑयल डाला है गरम होने के लिए। थोड़ी देर बाद जब ये गरम हो जाएगा मैं इसमें जो है पोटैटो फ्राई करूंगी लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन फ्राई होने के बाद मैं ये निकाल लूंगी। तो कपड़े भी सूख गए हैं तो मैं काम करती हूँ, सबसे पहले कपड़ों को डाल देती हूँ। तो ऑयल गरम हो गया था, मैंने आलू उसमें डाल दिए फ्राई करने के लिए। और फ्राई करने में इसको आप सिम पे रखना, अगर आप हाई पे रखेंगे तो जल जाएंगे और जला हुआ टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा दम आलू में। तो इसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ सिम पे और साथ के साथ पलटते रहो ताकि नीचे ज्यादा जले ना। तो गोलू ने सारे कपड़े सुखा दिए हैं और कपड़े सुखाने की ड्यूटी आजकल गोलू की है ना। हवा चल रही है, गोलू अंदर चल ठंड लग जाएगी, चिमटी में लगा दो, अंदर चल ठंड लग जाएगी। तो दीदी भी आई है दम आलू सीखने मुझसे, तो मैं दीदी को पूरी रेसिपी दिखाने वाली हूँ मैं कैसे बना रही क्या बना रही। दवाई ली? दवाई ली है। हाँ वो तो मुझे पता हाडी भैया के साथ। तो आलू का क्या हाल चल रहा है पाल? अभी आलू में लगेंगे। तो आलू अभी हल्के हल्के फ्राई हो गया, ऐसे तो उसे डीप फ्राई नहीं करना, हल्के हल्के करना है। बट पायल कह रही है 5 से 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमारी जो गैस है वो है सिंपल। ऑलमोस्ट हो गए ना पायल? ऑलमोस्ट हो गए, पर 2 मिनट और लगेंगे अभी इसमें ना। तो हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, पायल ने इसको साइड पे रख दिया। एक साइड पायल कर रही है मसाले की तैयारी। अभी मैंने जीरा डाला था और अब मैंने डाला प्याज, इसको हल्का फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो पायल ने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसे, तो हल्का फ्राई करना है। हल्का फ्राई करते ही मैं काजू डाल दूंगी, फिर इस मिक्सर को निकाल के मिक्सी में इसका पेस्ट बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं डाल दूँ इसमें थोड़े काजू। अब मैंने इसमें मिक्सर मैंने बनाया था वो डाल दिया, और मैं इसे करने जा रही हूँ ग्रेवी। भाप है तो थोड़ी देर रुक जाती हूँ, वरना पूरा ऊपर आ जाएगा, मैं चल सकती हूँ।
हाँ ऑयल में वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इस ऑयल को मैं छान लेती हूँ ताकि उसका जो ब्लैक ब्लैक है वो सब्जी में आ जाए। पेस्ट बन गया है। तो गाइस मुझे आप सबसे एक बात करनी थी, जो एकदम आलू बन रहे हैं इनको खाने के बाद मोटा होने के जिम्मेवार आप खुद हैं या फिर ये दोनों लेडी, आप देख लेना। रेसिपी जबरदस्त बन रही है, मुझे लग रहा है मजा आने वाला खा के। मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा गाना है कल परसों, पर गाना के बाद मैं खाऊंगा सुबह। तो मैंने इसमें मसाला डाल दिया, फिर मसाले को हल्की सिम गैस पे मैं छानूंगी। तेज पत्ता मैं डालना भूल गई तो आप इसे ऐड कर लेना क्योंकि इससे जो है खुशबू अच्छी आएगी। अभी मैं डाल रही हूँ सारे मसाले जो मैंने निकाले हुए। मसाला मेरा हो चुका है, ये है दही जो आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। मैंने एक कटोरी लिया है, इसमें मैंने देगी मिर्च को मिक्स किया है क्योंकि इससे जो है दम आलू का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। मसाला भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है तो मैं इसमें ऐड करूंगी दही, और दही को कॉन्टिन्यूस आपको हिलाते रहना वरना दही फट जाएगा। आप पूरा टाइम देख के इसे 5 मिनट वेट रख के छोड़ दीजिए सिम पे। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पोटैटो जो मैंने फ्राई किया है। मेरे दम आलू बन चुके हैं, अब मैं इसे गार्निशिंग कर रही हूँ धनिया के साथ जो कि मैंने धो के ऑलरेडी रखा हुआ। तो जबरदस्त बना दम आलू, पालोर खा रही थी तो मैंने भी देख लिया तो मजा आ रहा है। थोड़ा लिया पर मैंने एक ही आलू लिया। अच्छा लग रहा है, ये नहीं है कि गोलू पाया ने बनाया, वाकई में जबरदस्त, झूठी तारीफ नहीं करता मैं। हाँ इन्होंने ढोकले के लिए बोला था बहुत बकवास बना था लेकिन ये अच्छा बना है तो ये अच्छा ही बोलेंगे। तो अभी मैं और पायल जा रहे हैं दीदी को दम आलू देने क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रही थी कि खाना खाएंगी फिर वो टाइम से सोएंगे। तो हम उनके जा रहे देने। क्या बन रहा है दीदी? यहाँ से भी खुशबू आ रही है। खुशबू तो आ रही थी, किस चीज की खुशबू थी? क्या बन रहा है? मैं तो डर गई। क्या बन रहा है? ये लो दीदी। नितिन भैया कैसा? खाने दो बस। बोलने का मन नहीं कर रहा? टेस्टी बनाया ना? मैंने कभी खाया नहीं दम आलू। नहीं खाए कभी? फर्स्ट टाइम खाए? अच्छा बना लिया करो तो हफ्ते में एक बार। चलो हफ्ते में एक बार बना लिया करूंगी। मैं ये बोल रही थी कि पायल आलू इतने स्वाद बने, इतने टेस्टी बने ना, सच में मतलब कि मजा आ गया। आज मैंने पूरी जितनी रोटी खाती उससे फिर से डबल खाए। जब जब पायल खाना बनाती है ना मुझे लगता है पायल हम सबको मोटा करेगी क्योंकि इतना टेस्टी खाना होता है ना कि जितनी की इच्छा होती है ना उससे ज्यादा खाते हैं। तो ये मैं बचा रही हूँ चीकू के लिए ताकि वो स्कूल लेके जाए सुबह। उसे वैसे भी आलू बहुत पसंद है। अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ हम सबके लिए। दूध बन चुका है हम तीनों का। अरमान जी पीते हैं प्लेन दूध, हम पीते हैं बॉर्नविटा वाला। बचपन से पीती हूँ बॉर्नविटा। मैंने अभी शुरू किया क्योंकि गोलू पीती है तो मैं भी पीती हूँ। मैं बचपन से पीती हूँ, कॉम्प्लेन नहीं पिया मैंने, बॉर्नविटा जरूर पीती हूँ लेकिन फिर भी तेरी हाइट तो अच्छी है। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 12 और मैं और पायल काफी थक चुके हैं तो अभी हम जा रहे हैं सोने क्योंकि मॉर्निंग में चीकू को सुबह स्कूल भेजना है। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में सपना दीदी के ब्लॉग का लिंक है तो उनके चैनल को देखना ना भूले। जितना प्यार आप हमें देते हैं उनको भी दीजिए। बाय बाय गाइस, सी यू।